वहीं नेपाल के नुवाकोट में बुधवार दोपहर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 4 चीनी नागरिक और एक पायलट शामिल है। एयर डायनेस्टी का हेलीकॉप्टर राजधानी काठमांडू से रासुआ जा रहा था। मामले की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम को घटना स्थल पर भेजा गया। जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर ने दोपहर 1:45 पर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। करीब 3 मिनट बाद हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया था। हालांकि हादसा क्यों हुआ इसकी जानकारी सामने नहीं आई।